हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मेरे पास ये निविया बॉडी लोशन की एक बॉटल खाली पड़ी हुई थी, तो आज मैं इससे एक DIY रिमोट होल्डर बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमें ये जो बॉटल के ऊपर पन्नी लगी हुई है इसको निकाल देना है दोनों तरफ की, और अब हम इसमें मार्कर से डिजाइन ड्रॉ करेंगे। आप जैसे डिजाइन चाहते हैं आप वैसी डिजाइन इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं इसमें कुछ इस तरीके की डिजाइन बनाऊंगी। इसी तरीके से हम पीछे साइड भी इसके ड्रॉ कर लेंगे। एक चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो डिजाइन है पीछे की और आगे की बिल्कुल बराबर रहे, अगर आप इस तरीके की डिजाइन इसमें बनाते हैं तो। और अब हम इसे यहाँ से जो क्राफ्ट वाला नाइफ आता है उससे कट करेंगे। अब जहाँ से हमने मार्कर से डिजाइन बनाई हुई थी वहाँ से इसे कट करेंगे। तो कट हो जाने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। और अब हम इसमें करेंगे एक्रिलिक पेंट। तो मैंने यहाँ पे स्काई ब्लू कलर का एक्रिलिक पेंट लिया हुआ है जिसे मैं पेंट करूँगी। तो पेंट की इसमें आप दो कोट करें, पहले एक कोट करने के बाद इसे सूखने के लिए छोड़ दें, इसके बाद ही आप दोबारा इसमें पेंट करें, जिससे जो इसकी फिनिश है वो बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। तो एक बार मैंने इसमें पेंट कर लिया है तो अब हम इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। तो अब मैंने यहाँ पे ली हुई है कुछ पॉप्सिकल स्टिक, इसे हम बीच से कट करेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे सिंपल भी रख सकते हैं, पर मैं इसे थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी जिससे ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखेगा। तो इस पर मैंने दोबारा भी पेंट कर लिया है, आप देख सकते कितना अच्छा ये दिख रहा है। तो अब मैं इसमें चिपकाने वाली हूँ कुछ मोती स्टोन। तो आप चाहे तो इसमें जो फैब्रिक ग्लू आता है उससे भी मोती अच्छे से चिपक जाती है, और फेविकोल से भी इसमें चिपक जाएगी। तो आपके पास जो भी हो आप उससे इसे चिपका सकते हैं। मोती इस पे लग चुकी है। तो मेरे पास ये क्राफ्ट पेपर रखा हुआ था तो इससे मैं फ्लावर बनाऊंगी। अगर आपके पास कोई आर्टिफिशियल फ्लावर है तो आप उसको भी लगा सकते हैं इसमें, या फिर आप जैसा चाहें इसे वैसे रख सकते हैं, सिंपल भी इसे बना सकते हैं। तो अब हम क्राफ्ट पेपर को सर्कल में कट करेंगे। अगर आपके पास कोई आर्टिफिशियल फ्लावर पड़ा है तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास क्राफ्ट पेपर पड़ा हुआ था तो मैं उसी का बना रही हूँ। तो इसे हम कट करने के बाद करेंगे रोल। तो रोल हमें इसकी इस साइड से करना है, इसे हमें अच्छे से रोल करते हुए चलना है। अब हम इसे फेविकोल लगा के चिपका देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये बन गया रोज फ्लावर।
और अब हमने जो आइसक्रीम स्टिक कट की हुई थी तो वो इस पर हम चिपकाएंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक ग्लू गन का यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास फेविकोल है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। ग्लू गन से चिपकाने से होता क्या है कि जो भी हम चीज़ें चिपकाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी चिपक जाती है। तो अब हम एक एक आइसक्रीम स्टिक इस तरीके से चिपकाएंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पे। तो अब हम इसे चारों तरफ आइसक्रीम स्टिक को चिपका लेंगे। और अब मेरे पास ये रखा हुआ था बुलेन, तो अब मैं इसे भी चिपकाऊंगी। अब हम इस आइसक्रीम स्टिक को बुलेन की हेल्प से कवर करेंगे। नीचे साइड ही बस हमें इसे कवर करना है, ऊपर की साइड नहीं करना है। तो इसे मुझे जितना कवर करना था मैंने कर लिया है और अब हम इसे कर लेंगे कट। और अब हम इसमें चिपकाएंगे अपना रोज फ्लावर जो हमने बनाया हुआ था। आप इसकी जगह आर्टिफिशियल फ्लावर भी चिपका सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये रिमोट होल्डर बन चुका है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है। तो आप चाहें तो इसमें अपने कॉम भी रख सकते हैं, फ़ोन भी रख सकते हैं। तो ये मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र है जो कि हमने बनाया हुआ है वेस्ट मटेरियल से और घर में ही कुछ पड़े रहने वाले सामानों से। तो फ्रेंड्स, आपको आज का ये DIY कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।